हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडीज 24/7। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में कैलेंडर पढ़ा था, ठीक है। कैलेंडर में हमने दिन दिनांक क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है। हम लोग को साधारण वर्ष के बाद अगर लीप वर्ष आता है तो कौन सा दिन कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कॉन्सेप्ट पार्ट को। आज हम देखेंगे अगर कोई सा भी डेट मंथ और ईयर दिया रहेगा तो हम लोग को वहाँ पे अगर डे निकालने के लिए बोलेगा, दिन निकालने के लिए, कि जैसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये ट्रिक है। बुक में भी दिया है लेकिन वो बहुत बहुत लेंथी प्रोसेस है। ये ट्रिक जो है एकदम 100% वर्किंग ट्रिक है, ठीक है, जिसमें आप बहुत इजीली से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कोई सा भी दिन। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो ट्रिक के लिए तो कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा जानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ट्रिक के लिए कुछ याद करते हैं जो कि बहुत इजीली तरीके से होने वाला है। तो इसमें मैं लिया हूँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसके जीरो क्यों, क्योंकि सेवन से अगर सेवन भाग जाएगा तो वन हो जाएगा और वन तो ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसमें संडे का जो कोड है वो 1 है, मंडे का जो कोड है वो 2 है, ट्यूसडे का जो कोड है 3 है, वेडनेसडे का जो कोड है वो 4 है, और इसका जो कोड है 5 है, और फ्राइडे का जो कोड है वो 6 है, और सैटरडे का जो कोड है वो 0 है, ठीक है। इसको आप बहुत आसान तरीके से जान जाएंगे। अब देखो, अब मैंने ये तो हो गया डे का कोड, ठीक है। अब देखो ये है डे कोड, ठीक है। अब देखो ये है मंथ का कोड। अब देखो मंथ का कोड क्या है, जनवरी के लिए 1 है, फरवरी के लिए 4 है, मार्च के लिए 4 है, अप्रैल के लिए 0 है, इसके लिए मई के लिए 2 है, ऐसे ही सबका कोड लिए हैं, ठीक है। तो अब देखो इस कोड को मैं याद करने का तरीका बताऊंगा। ऐसा कोड तो हम लोग क्या है याद नहीं रख पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। वैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो ही जाना है, लेकिन फिर इससे मैं बता देता हूँ। तो देखो हम लोग तीन तीन का पेयर लेंगे, तो ये क्या है 144 है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 12 का स्क्वायर, ठीक है, मीन्स 12 का स्क्वायर से याद हो गया। अब देखो इस तीन का पेयर लेंगे, तो ये क्या है 5 का स्क्वायर है, ठीक। अब देखो इसमें अगर 3 का पेयर लेंगे तो क्या का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, मीन्स ये 144 तीन तीन का पेयर लेके चलते हैं 12 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो गया। अब देखो ये तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे। इसको आप लोग ये समझना कि जो पहले जो कोडिंग दिए हैं 12 12 144 का, इसमें समझ लेना की इसमें 2 बढ़ गया, लास्ट के अक्टूबर नवम्बर दिसंबर में 2 बढ़ गया, समझना। समझ आया कि नहीं। अगर हम लोग कोडिंग को याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, इसमें ये सोचना कि ये जो पहले जो 3 मंथ है उससे 2 एक्स्ट्रा, ठीक। अब देखो ये है ईयर का कोड। ईयर के कोड के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 अगर जो है हम लोग का ईयर पूछता है 1500 से 1599 के बीच का, ठीक है, तो क्या होगा 0 हो जाएगा। 1600 से 1699 के बीच अगर आया कोई सभी दिन निकालने के लिए बोला तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1700 से 1799 के बीच में आया तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1800 से 1899 के बीच में आया तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर से रिपीट होगा, 1900 से 1999 के आया तो क्या होगा 0 हो जाएगा। 2000 से 2099 तक आया तो क्या हो गया 6 हो गया। 2100 से 2199 तक अगर आया तो 4 हो गया, और 2200 से 2299 तक आया तो क्या हो गया 2 हो गया। मीन्स ये 1500 से स्टार्ट है और ऐसे ही क्या होते जा रहे हैं, ये कोड जो है 0642 0642, इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। जैसे कि 1400 से 1499 कराया था तो क्या होता 2 आता, और अगर इसके नीचे होता तो क्या होता 0 होता। ऐसे ही यही कोडिंग क्या है 100% वर्किंग कोडिंग है। इसके थ्रू आप लोग किसी भी डेट का आप दिन निकाल सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि चलो पहले निकालते हैं, मैं बोला था एग्जाम्पल के लिए 15 अगस्त 1947, ठीक है, इस दिन क्या हुआ था, हम लोगों का देश आजाद हुआ था, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। तो चलो देखते हैं कि इस दिन
कौन सा दिन था जब हम लोग का देश आजाद हुआ था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिन को पूरा ले लेना है, 15 को ले लेना है, ठीक। अब क्या करना है, मंथ कोड लेना है। मंथ कोड इसमें मैं बगल में ले रहा हूँ डे, जो भी है डे इसको लेंगे, ठीक। अब देखो मंथ कोड लेंगे, मंथ कोड अगस्त है, अगस्त का मंथ कोड क्या है, 3 है। इधर देखो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो गया, ठीक। ये क्या है, मंथ कोड है, मंथ कोड, ठीक। अब इसमें क्या लेना है हम लोग को, जो ईयर दिए रहेगा उसको लेना है। तो क्या दिया है, 47, यहाँ पे लिख लेना ईयर। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ईयर के बाद इस ईयर को हम लोग चेक करेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो इसको भाग देंगे 4 से, लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा, तो 47, ठीक है। 4 × 4 ये कट गया, 4 × 4 = 3, ठीक। अब देखो ये लीप ईयर है ही नहीं, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो लीप ईयर रहे चाहे मत रहे, इस ये जो ईयर है इसको हम लोग 4 से भाग देंगे, और इसका जो भी भागफल आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ईयर का क्या है, भागफल, ठीक है, ईयर का भागफल, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, ईयर कोड लेंगे। अब देखो ये कहाँ पे है, 1947 है, तो 1900 से 1999 तक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जी, ये क्या है, ईयर कोड है, ठीक। समझ आया क्या क्या लेना है, सबसे पहले डे को लेंगे जो डे दिया रहेगा, उसके बाद मंथ कोड लेंगे, उसके बाद जो ईयर दिया रहेगा ईयर को लेंगे, उसके बाद ईयर को भाग देंगे 4 से, जो भी भागफल आएगा उसको लेंगे, उसके बाद ईयर कोड लेंगे, और बाकी सब को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 5 × 3 = 8 = 7 = 15 = 16 का 6 हाथ में आया कितना, 1, ठीक। 2 × 4 = 6 + 1 = 7 क्या आया जी, 76 आया। अब इस 76 को हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, यहाँ पे जो शेष फल आएगा वही दिन होगा, ठीक है। तो 7 × 7, अब 6 तो जाएगा नहीं, 0 हो जाएगा, तो 6। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 6। अब 6 किसका कोड, 6 का कौन सा है, देखो यहाँ पे 6 जो है डे में कौन सा दिया है, फ्राइडे, मीन्स 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे, शुक्रवार था। समझ आया कि नहीं कैसे निकाले, देखो सबसे पहले डे लिख देंगे जो डे दिया रहेगा, उसके बाद मंथ कोड लिखेंगे, मंथ कोड ये है, उसके बाद ईयर को लिख देंगे ईयर ये है, ईयर को फिर लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4 से भाग देंगे, जो भी भाग फल आएगा उसको लिख देंगे, उसके बाद ईयर का कोड लिख देंगे, खत्म। सबको जोड़ देंगे, 7 से भाग देंगे, जो शेष फल आएगा वही दिन होगा। अगर शेष फल 0 आता तो क्या होता, शनिवार होता, ठीक है। सबका सोल्यूशन है। अब देखो चलो एक तो निकालो, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, इस दिन क्या हुआ था, हम लोगों का देश में संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो चलो निकालो, इसको निकाल के बताओ आप लोग, 26 जनवरी 1950 को सबसे पहले क्या लिख लेना, 26 को लिख लेना, ठीक। डे को लिख लिए, अब मंथ कोड जनवरी के लिए क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ईयर को लिखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक। अब ईयर को क्या से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 50 को, तो 4 × 4 = 8, ठीक। अब क्या आया, भागफल 12 आया। अब देखो ईयर कोड 1950 है, मीन्स यहाँ पे 00 आ जाएगा। अब सबको ऐड कर दो, 7 से भाग दे दो, 6 × 7 = 9, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 7 = 1 = 8। अब इसको क्या से भाग देंगे, 7 से, 7 × 7 = 9, 7 × 2 = 14, 5 बचा, 5 किसका कोड है, 5 कोड है थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे मींस गुरुवार,
समझ आया कि नहीं? आ गया, बहुत इजी है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब देखो, मान लो हम लोग को पूछता है कि पच्चीस जुलाई 2022 को कौन सा दिन है? 25 जुलाई 2022 को कौन सा दिन होगा? चलो बताओ। तो क्या करेंगे, इसको डेट का डेट को पहले लिखेंगे, ईयर को लिखेंगे, फिर मंथ कोड। जुलाई का मंथ कोड क्या है? जीरो है, तो जीरो जीरो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको ईयर को लिखेंगे, ठीक है। अब ईयर को क्या से भाग देंगे? चार से भाग देंगे, तो चार पंचे 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। दो शेष फल बचेगा, लेकिन हम लोग को जो ईयर भाग का उसी को लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लेंगे ईयर कोड। ईयर कोड कहाँ है, कहाँ 2022 है, मीन्स 2000 से 2099 के बीच में आएगा, तो 6 आएगा, तो 5 2 7 और 5 12 6 18 का 8 हाथ में आए, 1 2 2 4 और 1 5। अब इसको क्या से भाग देंगे, 7 से, 7 8 56, क्या बच्चा 2, ठीक है। तो 2 किसका कोड है, 2 कोड है मंडे का, मीन्स 25 जुलाई 2022 को कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा, ठीक। समझ आया कि नहीं, ऐसे ही आप सब निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो एक तो बुक का क्वेश्चन देखते हैं कि 10 जून 1987 को कौन सा दिन था, ठीक है। 10 जून 1987 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेंगे 10 का, 10 को ले लेंगे, ठीक। अब मंथ कोड जून का क्या है, 5 है, 5। अब क्या करेंगे, ईयर को लिखेंगे 87, ठीक। अब क्या करेंगे, ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा भागफल उसको लेंगे, 4 दुनी 8 7 4 कम 4 3, तो 21 आया। अब ईयर कोड, ईयर कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ऐड कर दो, 7 5 12 1 13 का 3 हाथ में आया, 1 2 और 8 10 और 2 12। अब इसको 7 से भाग दे दो, 7 1 कम 7, तो क्या बचा, 5 2 5 और 3 7 7 49 बचा क्या, 4। 4 किसका कोड है, 4 कोड है वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे मींस बुधवार। 10 जून 1987 को कौन सा दिन था, बुधवार था। तो इस तरीके से आप हर एक जो डेट दिया, डेट मंथ और ईयर दिया रहेगा, उसका आप बहुत इजीली तरीके से निकाल